नमस्कार, मैं हूं सत सिंह। हरियाणा में देश में लोकसभा का चुनाव चरम पे पहुंचने वाला है। डेली आप कितने सारी स्टोरीज, अपडेट्स, राजनेताओं के बारे में नई नई बातें जानते हैं, कुछ पुरानी बातें जानते हैं। उसी कड़ी में हम आज आपको थोड़ा सा हट करके हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पैतृक गांव में, उनके पैतृक घर में आज हम आपको ले जा रहे हैं। आज आप जब देखेंगे तो आपकी आंखें हो सकता है खुली रह जाएं कि ये उनका पैतृक गांव, पैतृक घर है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में राजनीति में आए, कामयाब हुए, लोगों का आशीर्वाद मिला और दो बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये वो गली है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं पीछे, ये जो गली है ये आगे जाकर के टर्न हो जाती है और इस गली में बताते हैं कि इस घर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ था। में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है जन्म हुआ था। आओ आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम घर की चौखट पे पहुंच गए हैं। ये जो गांव में बड़ी कॉमन सी चीज है, इसको हम तो चौतरा बोलते हैं, चौतरा। कुछ कुछ गांव में चौतरा बोल देते हैं, कुछ में चौतरी बोल देते हैं। और यहाँ पर जब आपके पास खूब सारा समय होता है, आप खेत से काम करके आए, थकान होती है, तो यहाँ बैठ करके देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा आती है, आप रिलैक्स करते हैं। गांव वालों को जो स्ट्रेस बीट करने का जो तरीका होता है, यहाँ बैठ करके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शाम को लेडीज पानी भरने जाती है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ से पूरा व्यू मिलता है, जो पनोरमिक व्यू होता है आपको यहाँ से मिलता है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर साइकिल है। अब ये साइकिल प्रतीक है कि देखो गांव वाले आज भी वही की वही हैं, जो आने जाने का माध्यम यूज करते हैं वो साइकिल को यूज करते हैं। अब ये गेट जो है आप देख सकते हैं, कोई पुराने डिजाइन के गेट लगते हैं, बड़े मजबूत हैं और ये जो इन्होंने कारीगरी की हुई है काफी पुरानी लगती है, क्योंकि उस समय जिस समय बनाया होगा उस समय तो उस समय का डिजाइन रहा होगा और शायद काफी पॉपुलर डिजाइन होगा। जैसे ही अंदर घुसते हैं, दो खाट जिसको इंग्लिश में कॉट कहते हैं, आपको खाट देखेंगे, बड़ी मजबूत खाट है, आराम से आप सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, तकिया भी है। शायद जो यहाँ पे केयर टेकर होंगे वो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते होंगे। और ये दूसरी तरफ ये जो दो खाट है, ये चीजें हैं, आप देख सकते हैं, जो सफेदी चारों तरफ व्हाइट वॉश हुई है, पीली रंग की सफेदी हुई हुई है और ऊपर जो पंखा है, ये जो इस तरह के मकान है जहां पर इस तरह की कड़ियां आपको दिखाई दे रही है, लकड़ी की कड़ियां हैं। पहले मकान को लेंटर सिस्टम नहीं होता था, इस तरह से लेंटर लगाते थे, आजकल तो अब तो ये डिजाइन आउटडेटेड हो गया है। अब जो नए घर बनते हैं उनमें अब ऐसा नहीं होता है, तो ये पुराने समय की याद दिला देता है जो। और इस तरफ होका वगैरह रखा हुआ है शायद, और यहाँ पर एक ठेका भी रखा हुआ है। ठेका जो होता है वो गेहूं वगैरह स्टोर करने के लिए, या जो फसल एक्स्ट्रा बच जाती है उसको स्टोर। तो रूम में काफी अंधेरा है, पर यहाँ पर सीढ़ी है, दो ठेके मुझे दिखा, तीन ठेके मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा फसल होती है आपकी उसको आप स्टोर करके रखते हैं। ये इसलिए होता है कि एक बार जो जो कुछ भी आप खेत से आप लेकर के आते हैं तो हो सकता है आपको पैसे की जरूरत बाद में पड़ जाए, तो इस तरह से स्टोर कर लेते हैं ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो फसल को बेच करके हम जो है उसको कर सकें। इस तरफ जो कमरा है मेरे, इस तरफ यहाँ पर डाइनिंग टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें पांच छह कुर्सियां रखी हुई हैं, और ये शायद इसीलिए हुआ कि कभी कभार यहाँ आए तो खाना, बैठ के खाना खाने के लिए कोई ना कोई जगह होनी चाहिए। तो इसी तरह से चौधरी माथुराम सिंह जी का पोर्ट्रेट रखा हुआ है, आप अगर देख पाते हैं तो उनका पोर्ट्रेट रखा हुआ है और कुछ किताबें भी रखी हुई हैं, शायद जो केयर टेकर होंगे उनके बच्चे शायद यहाँ पढ़ाई करते होंगे और उनके लिए सारी चीजें होंगी। और हम मेन ये इधर किचन है, किचन में सिलेंडर वगैरह, ये केयर टेकर है, जगबीर जी है नाम इनका, और ये चाय वाय बनाने की तैयारी करें। जो मेहमान आए हुए हैं इनकी ड्यूटी है कि जो भी आए उनका घर का ध्यान रखें और मेहमान वगैरह आए तो उनको बढ़िया सी चाय बना करके पिलाएं। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर की चाय पियेंगे। आप देख रहे हैं चाय बनने के लिए रखी हुई है, अब शायद 5 मिनट में जगवीर जी जो हैं हमें चाय पिलाने वाले हैं।
इस तरीके से बाकी सारा सामान किचन का रखा हुआ है। अब हम घर की तरफ अंदर की तरफ थोड़ा सा आते हैं। तो अंदर जैसे आते हैं यहाँ फिर जाली का गेट है मच्छर वच्छर के लिए कि मच्छर वच्छर ना आए, ताकि रात को बंद करके सोने में आसानी रहो। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए किया जाता था पहले, ताकि आप जब घर में मकान बना रहे हैं तो बीच में कुछ इस तरह से कि एकदम से घर में घुटन ना हो। तो जब बरसात वगैरह नहीं आती है तो इसको जो है हम खोल देते हैं, तो यहाँ से धूप भी आती है, यहाँ से हवा भी आ जाती है, और जब बरसात वगैरह आती है तो इसको ढक देते हैं। तो ये इस तरह का डिजाइन जो है, इस तरह का पहले के घरों में काफी कॉमन होता था। यहाँ देखे काफी जो ना लकड़ी का काम काफी अच्छा हुआ है। मेरे राइट साइड में आप देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है एक फोटो लगी है, साथ में हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की फोटो है, नीचे लिखा ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स ऑर्गेनाइजेशन। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी जो है रणबीर सिंह जी, वो फ्रीडम फाइटर थे हरियाणा के, और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे और जो संविधान लिखा गया उसमें उनका अहम योगदान है। इसके बाद हम थोड़ा सा ये बेडरूम है, और बेडरूम में आप देख सकते हैं एक बेड है और बाकी सारी चीजें, कुछ यहाँ पर कटलरी रखी हुई है ताकि कोई मेहमान आए जाए। और चौधरी रणबीर सिंह जी की जो 2 बार रोहतक से एमपी रहे थे उनकी भी यहाँ पर फोटो है। सोनिया गांधी जी गदा लेकर के खड़ी हुई है, इधर इंदिरा गांधी और चौधरी रणबीर सिंह का फोटो इकट्ठा है। ये कभी पहले जब वो राजनीतिक हस्ती रहे तब का कोई ना कोई फोटो लगता है, काफी पुराना फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट है। और इस तरीके से कुछ मूडे वूडे रखे हुए हैं, क्योंकि अब चौधरी के घर आए हैं तो मूडे ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज हमें याद दिलाती है कि आप गांव के परिवेश में जब आप आएंगे तो आपको किस तरह का क्या नजारा मिलेगा। ये सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर की बात नहीं है, आप किसी भी घर में जाएंगे जो पुरानी टाइप का बना हुआ है सब में लगभग आपको मोर और लेस यही चीज मिलेगी। और इधर जो है ये स्टोर रूम बनाया हुआ है, ये स्टोर दसत्ती रूम के है, ऊपर हाँ सर क्या है ये, दसत्ती दसत्ती अच्छा ये क्या काम आते हैं, अनाज डालने के लिए। अच्छा ये अनाज डालने के लिए यहाँ सीढ़ी लगा करके, हाँ अच्छा इसको भर देते थे इसको, आपका नाम क्या है सर, राम कुमार। अच्छा राम कुमार जी, तो राम कुमार जी बता रहे हैं ये जो अनाज वनाज जो एक्स्ट्रा अनाज होता था वो यहाँ पर लगाते थे। और ये फोटो किन की है सर, ये ये भी फोटो, परिवार में ही हाँ नहीं, ये हमारी ताई भी है। अच्छा आपके ताई जी हैं तो उनकी फोटो है। एक बेडरूम जो है, एक बेडरूम अंदर भी है, अटैच बाथरूम है, और इसमें भी आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के 3 बार रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो भी है, जो कि रोहतक लोकसभा से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और उधर उनके परिवार में कुलदीप सिंह नंबरदार की फोटो है, और उधर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो तो आप सभी को दिख रहा होगा, आप सभी पहचान रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस तरफ एक पुराने डिजाइन का एक सोफा भी रखा हुआ है, ताकि कोई मेहमान आए और उनको बैठा करके, और जो भी मेहमान नवाजी हो सके, तो ये चीजें बड़ी कॉमन सी हैं। तो अभी हम जो देख पा रहे हैं इस घर में आने के बाद कुछ भी ऐसा अजीब और कुछ भी अलग नहीं लग रहा है, जैसा आम साधारण परिवार का एक मकान होता है वैसा ही ये मकान है। और आज हमने ये देखा और काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो गांव से निकले हुए चाहे वो आप किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, कितने ही बड़े आदमी बन जाए, लेकिन जो हमारा जुड़ाव रहता है हमारे गांव के प्रति, हमारे पैतृक घर के प्रति, उसकी बात अलग ही है। थैंक यू।